नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जीवन की डायरी में। तो आज मैंने डिसाइड किया कि चलो आज कुछ हटकर डिनर बनाते हैं। तो आज के डिनर में मैंने प्लान किया है कि मैं ये ग्लूटिनस राइस बॉल्स बनाऊंगी और क्रिस्पी चिकन ड्रमलेट को फ्राई करूंगी। तो ये जो राइस बॉल है वो कुछ रसगुल्ले जैसा ही दिखता है, बट ये खाने में बिल्कुल रसगुल्ले जैसा नहीं होता। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये रहे राइस बॉल्स। आपको बस कुछ नहीं करना है, इस राइस बॉल को आपको बॉइलिंग वाटर में इसे बॉईल करना है। और तब कब तक बॉईल करना है? जब तक कि वो बिल्कुल फ्लोट ना होने लगे पानी में, तब तक आपको इसे बॉईल करते रहना है। और ये ड्रमलेट को कैसे हम फ्राई करते हैं, आप इसे एयर फ्रायर में ऑयल ब्रश करके 5 मिनट्स फ्रंट साइड एंड 5 मिनट्स बैक साइड फ्राई कर सकते हैं, या तो आप चाहें तो आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना ग्लूटिनस राइस बॉल बनाते हैं। और हाँ, इस राइस बॉल के अंदर पीनट की फिलिंग होती है, मैं आपको वो दिखाऊंगी बनने के बाद। तो यहाँ पर हमने अपने पानी को चढ़ा रखा है, अब हम इसके बॉइलिंग पॉइंट पे आने का इंतज़ार कर रहे हैं। एक बार ये बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाए तो फिर हम अपने राइस बॉल्स को इसमें ऐड करेंगे। तो हमारा पानी जो है वो बॉइलिंग पॉइंट पर आ चुका है। हम इसमें ज़्यादा नहीं, बिल्कुल ज़रा सा, यानी 1 टीस्पून ऑफ शुगर ऐड करेंगे। ओके, 1 टीस्पून ऑफ शुगर। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने राइस बॉल्स को। हमने अपने राइस बॉल्स को ऐड कर लिए हैं। आपको इस राइस बॉल्स को तब तक बॉईल करना है जब तक कि वो इस बॉइलिंग वाटर में फ्लोट ना करने लगे, तब तक आप इसे बॉईल करते रहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे राइस बॉल्स जो हैं वो पानी में फ्लोट होने लगे हैं, देखिए बिल्कुल रसगुल्ले की तरह, और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम करते हैं अपने गैस को बंद, फ्लेम को ऑफ, और हम इसे सर्व करते हैं प्लेट में। इसे कुछ सेकंड्स के लिए इस गर्म पानी में ही रहने देते हैं और उसके बाद हम इसे प्लेट में सर्व करेंगे। तो हमारा राइस बॉल्स जो है वो बिल्कुल पककर तैयार है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं बिल्कुल धीरे से, क्योंकि वो बहुत डेलिकेट है। ये तो हमने अपने राइस बॉल को इस प्लेट में निकाल लिया है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट अपने प्रोसेसिंग करते हैं, हम अपने ड्रमलेट्स को फ्राई करते हैं। तो ड्रमलेट्स को फ्राई करने के लिए हम अपने एयर फ्रायर को पहले 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्री हीट कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने ड्रमलेट्स को इसमें फ्राई करेंगे। तो जब तक ये प्री हीट होता है तब तक हम वेट करते हैं। अब हम इसमें अपने ड्रमलेट्स को ऐड करते हैं, रखते हैं फ्राई होने के लिए। आज कुकिंग में मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो अब हम इसमें ऑयल ब्रश करेंगे। तो उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं, कौन सा ऑयल यूज़ कर रहे हैं हम? जी हाँ, ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। अब हम ऑलिव ऑयल का स्प्रे करेंगे ऊपर से ड्रमलेट्स के ऊपर। अब हम इसे 5 मिनट्स के लिए एयर फ्राई होने देंगे। तो अब हम खोल कर चेक कर लेते हैं।
हमारा एक साइड जो है वो पक चुका है। अब हम इसे फ्लिप करके हमने फिर से इंसर्ट कर दिया है। हमारा पहला साइड ही अच्छी तरीके से नहीं पका था, तो अब हम फिर से 5 मिनट का वेट करेंगे और फिर फ्लिप करेंगे उसको 5 मिनट। तो जब तक ये पक रहा है, हमारे चिकन ड्रमलेट्स पक रहे हैं, तब तक हम अपना एक सैलड बना लेते हैं। हम एक क्विक से सैलड बना लेते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए कैरेट, क्यूकम्बर, अनियन, 1 is enough, टमेटो एंड लेटस। तो हमें चाहिए इसके लिए बेबी टमेटोज, बट वो हमारे पास नहीं है, तो हम इसे नॉर्मल टमेटो का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इन सबको फाइनली चॉप कर लेंगे। तो अब हम अपने इस अनियन, चॉप्ड कैरेट, क्यूकम्बर और टमेटोज को इस बोल में ऐड कर लेते हैं। तो हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को इसमें डाल लिया है। अब हम अपने लेटस को फाइन चॉप करेंगे। हमने अपने लेटस को फाइन चॉप कर लिया है। अब हम इसे इस सैलड में बोल में डाल लेंगे। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे बीन्स, बॉइल्ड बीन्स, ये हमारे सैलेड को और भी टेस्टी बनाता है और हेल्दी एज वेल। तो हमने ऐड कर लिया बीन्स। अब हम इसमें ऐड करेंगे मस्टर्ड सॉस। आप देख सकते हैं येलो मस्टर्ड सॉस। हम इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, बल्कि बहुत थोड़ी सा, लाइक 1 teaspoon ऑफ मस्टर्ड सॉस ऐड करेंगे। बहुत है, इतना इनफ है। अब हम इसमें ऐड करेंगे रॉक सॉल्ट। तो मैं पिंक सॉल्ट का यूज़ कर रही हूँ। तो हम लोग पिंक सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें। अब हम इसमें ऐड करेंगे जरा सा ब्लैक सॉल्ट भी। देखिए ये है ब्लैक सॉल्ट। अब हम ये भी थोड़ा सा ऐड करेंगे इसमें। अब हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर, ये भी थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे नेचुरल का प्योर ऑलिव ऑयल। हमें ऑलिव ऑयल ओनली 1 tablespoon ऐड करना है। हमने ऐड कर लिया इसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। अब हम इसमें स्क्वीज करेंगे लेमन जूस। और अब हम इसमें डालेंगे जरा सा चाट मसाला, बिल्कुल जरा सा। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। लीजिए, हमारा लेटस सैलड भी बनकर बिल्कुल रेडी है। आज के डिनर में हमने बनाया राइस बॉल्स, ड्रमलेट्स हमारा बन रहा है, और तब तक हमारा लेटस सैलड भी बनकर तैयार है। तो अब हम क्या करेंगे, इस ग्लास में, ये आप देख रहे हैं आइस ग्रीन टी है, इसे पोर करते हैं इस ग्लास में। फाइनली हमारा आज का डिनर बनकर रेडी हो चुका है। ड्रमलेट्स जो कि हमने एयर फ्रायर में फ्राई किया है, उसके संग ये चटनी मैंने बनाई है। बस धनिया पुदीना की मिंट चटनी के संग दही ऐड करना है आपको, और उसमें हल्का सा शुगर एंड सॉल्ट ऐड करने से ये धनिया पुदीना की चटनी बन जाएगी। तो ड्रमलेट्स के संग ये बहुत अच्छी लगती है। ये आइस ग्रीन टी एंड राइस बॉल्स एंड लास्ट ये है हमारा लेटस सैलड। सो हेल्दी डिनर रेडी है। तो आप सब भी ये डिनर ट्राई करिए और अपना फीडबैक
हमारे संग जरूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ये आपका अपना चैनल जीवन की डायरी। थैंक यू।